फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिमाइंड में। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड थी कि जो 11 तारीख को पार्टीशन का पेपर जो आया था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, उसे एक बार डिस्कस कर लो सर आप, ये आपकी डिमांड थी। तो एक वीडियो मेरे को जल्दी से लाना पड़ रहा है आप लोगों के लिए, और पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस है, सो प्लीज़ बेयर विद मी। ठीक है, पार्टीशन का ये पेपर आया था उस दिन, और यहाँ पे क्या स्पेशल है, 6 क्वेश्चन से 3 करने हैं आपको। 752,000 वर्ड्स की लिमिट है यहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन जो है 25 नंबर का होगा, 3 क्वेश्चन 75 नंबर, 75 मार्क्स, राइट। तो यहाँ पे देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन जो है, क्रिटिकली कॉमेंट ऑन द टाइटल ऑफ इंतजार हुसैन्स नोवल बस्ती। अब देखो ये क्वेश्चन, तो मैं क्या बताऊँ इसको, ये जनरली अगर आपने नोवल पढ़ी है तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, कमेंट करना है इसके टाइटल के ऊपर। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ कि द शैडो लाइंस के ऊपर जो है कमेंट करो टाइटल के ऊपर, तो वो भी आप कर सकते हो आराम से, या फिर कोई भी शॉर्ट स्टोरी या आलम सॉन हाउस, उसके ऊपर भी कमेंट कर सकते हो, क्योंकि अगर स्टोरी अगर आपको पता है तो आप आराम से कर सकते हो। बाकी अगर शैडो लाइंस के ऊपर आता है कमेंट करना टाइटल के ऊपर, तो ऑलरेडी जो है मैंने जस्ट एक घंटे पहले वीडियो डाली है, उसे आप देख सकते हो चैनल पर जाके। ठीक है, तो क्रिटिकली कमेंट ऑन टाइटल वाला क्वेश्चन अगर हो सकता है तो आप कर लोगे, मेरे को जितना लग रहा है कि यू विल बी एबल टू डू दैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इन फोर योर लेन्स माई कंट्री द पोइट्स प्रोग्रेसिव आइडियाज आर हाईलाइटेड एलेबोरेट। ये अगर पोएम आपने पढ़ी होगी तो ये आप लिख सकते हो कि भाई क्या किस चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे पोइट। यहाँ पे मेन जो क्वेश्चन है जहाँ पे बच्चे फंस रहे हैं, मैं एक बार चलो एक बार देख ही लो एक बार, आप एक बार, इन मंटोस टोबा टेक्सिंग मैडनेस इज अ ड्रॉप थ्रू विच पार्टीशन इज व्यूड एंड रिजेक्टेड, डू यू एग्री। ये वाला क्वेश्चन, ये जो है इसमें जान है थोड़ी सी। अब क्या जान है, देखिए इसमें जो सादत हसन मंटो ने जो ये टोबा टेक्सिंग प्रेजेंट करी है सामने, इसमें एक पागल है जो बार बार गुड़ गुड़ दे, पता नहीं क्या एक डायलॉग सा बोलता है वो, उसके थ्रू से जो ये पार्टीशन दिखाया गया है कि बाद में वो जो मर जाता है, एक ऐसी जगह में गिर जाता है जो है, जो ना ही तो पाकिस्तान है, जो ना ही तो हिंदुस्तान है, मतलब बीच की जगह में गिर जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या शो कर रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ ये शो कर रही है ना कि आपने जो ये बाउंड्रीज खींची है, दोज बाउंड्रीज आर एक्चुअली मीनिंगलेस। अभी जस्ट एक बच्चे का कमेंट आया था मेरी पिछली वाली वीडियो में कि सर अगर आप कह रहे हो कि कल्चर अगर किसी का सेम होता है तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो इस हिसाब से तो अगर मुस्लिम कम्युनिटी अगर अलग लैंड अगर उन्होंने मांगा तो इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, क्या दिक्कत थी अगर उन्होंने एक अलग लैंड की डिमांड करी तो। देखिए मैं इनके हिसाब से कहने का मतलब ये था कि पास्ट में उनका तो कल्चर था ना कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी एक साथ रहेगी, हिंदू कम्युनिटी एक साथ रहेगी। तो मैं देखिए इस चीज़ को ऐसे समझाना चाहता हूँ, आप कितना पास्ट में जाना चाहते हो, आप कितना पास्ट में जाना चाहते हो, इस चीज़ को आप नोटिस कीजिए। आप 500 साल पीछे जाना चाहते हो, आप 1000 साल पीछे जाना चाहते हो, आप कितने साल पीछे जाना चाहते हो। ठीक है, आप मुगल के टाइम पे अगर बात करोगे तो भाई हिंदू और मुस्लिम जो है दोनों कम्युनिटी एक साथ रह रही थी। मैं इस चीज़ को इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ जो है एक आइडिया डेवलप करेगा आपके माइंड में, ये पार्टीशन का जो ये एक जो होता है ना बच्चों के माइंड में कि एक्चुअली हुआ क्यों, ये दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में कुछ रहा होगा तभी हुआ है पार्टीशन। तो मैं इसी चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो बच्चे का ये कमेंट आया था उसी के ऊपर एक बार जस्ट आप एक बार सोचो। तो मैंने उससे पूछा कि कितना आप पीछे जाना चाहोगे। ठीक है, मुगल के टाइम पे जाओगे तो हिंदू मुस्लिम एक साथ रह रहे थे, उससे पीछे जाओगे तो हो सकता है मुस्लिम की भाई अलग दुनिया थी, हिंदूज अलग दुनिया में रह रहे थे, मतलब इंडिया में सिर्फ हिंदूज थे, उस टाइम पे इस्लाम नहीं आया था। आप उतना पीछे जाओगे तो ये चीज़ मिलेगी। अगर मैं कहता हूँ कि आप बिल्कुल ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस पे चले जाओ तो क्या उस टाइम पे भी बाउंड्रीज थी, उस टाइम पे भी ऑस्ट्रेलिया था, उस टाइम पे यूएसए था, उस टाइम पे यूके था, हम सब ऐसे ही घूम रहे थे ना, वी वर वेयरिंग लीव्स एंड वॉन्डरिंग इन दी जंगल्स हेयर एंड देयर, फलों पे डिपेंड करते थे, पानी ऐसे नदी में मुंह लगा के पीते थे ऐसे ही। तो क्या वो टाइम दोबारा आप लाना चाहते हो, क्या उतना पीछे आप जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहोगे। तो वाई वी आर डीलिंग विद सच क्वेश्चंस, हम क्यों जाना चाहते इतना पीछे, समझ आ रही है ये बात। तो उस टाइम पे जब बाउंड्रीज नहीं थी किसी चीज़ की, तो अब हम बाउंड्रीज की बात क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोबा टेक्सिंग की अगर बारे में बात करते हैं, जो मैडनेस है, मैडनेस के थ्रू से कहीं ना कहीं टोबा टेक्सिंग की जो यहाँ पे जो करेक्टर था, जो पागल करेक्टर है, उसके थ्रू से ये बता रखा है, मतलब ये बताना चाह रहा है यहाँ पे सादत हसन मंटो, यार तुम लोग जो ये बातें कर रहे हो ना, ये बाउंड्रीज खींचने की, हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश बनाने की, इट इज़ एज मच एज अ मैड डीड दैट यू गाइस आर एक्चुअली फॉलोइंग, राइट। मतलब ये एक बहुत ही मैडनेस भरा निर्णय था तुम्हारा, डिवाइड करना, देश को डिवाइड करना एक बहुत ही सिली सा आइडिया था। यू एक्चुअली आर वेरी फुलिश काइंड ऑफ पर्सन्स, और द पॉलिटिशियंस यू कैन से दोज वर फुलिश पॉलिटिशियंस जिन्होंने अलग लैंड की डिमांड करी। ठीक है, इनके हिसाब से ही है मैडनेस, कहीं ना कहीं ये शो कर रही है मैडनेस
जो उस बंदे की मैडनेस थी टोबाटेक सिंह की, मैडनेस ये शो कर रही है कि जो आइडिया था ये भी एज सिली एज टोबाटेक सिंह मैडनेस। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे मैडनेस से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक मैडनेस जो भरी थी लोगों में, जैसे मुस्लिम कम्युनिटीज़ में ये था कि हमें अलग लैंड चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हमें अलग लैंड क्लेम करना ही करना है, हमें अलग बनना ही है, हमें ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान सब कुछ अलग करना ही करना है। तो ये मैडनेस भी कहीं ना कहीं यहाँ से सोखी जा सकती है। तो ये पार्टीशन के थ्रू से अगर मैं देखता हूँ इस मैडनेस को देखा जाए, देखो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के टेलीग्राम पे, सारी चीज़ें सॉर्ट करने की कोशिश करूँगा अभी। तो ये जो मैडनेस है इसके थ्रू से जो है एक चीज़ दिखाई गई है, पहले तो दिखाई गई है किस चीज़ की मैडनेस, अलग लैंड एक्वायर करने की। तो पार्टीशन को हमने देख लिया इस मैडनेस के थ्रू से, और सेम मैडनेस रिजेक्ट भी कर रही है। क्या अगर अलग तरीके से मैडनेस को देखा जाए तो रिजेक्ट कर रही है किस चीज़ की क्लेम को, इन इन आपकी लाइंस को क्लेम जो हम कर रहे हैं कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान है, इसको रिजेक्ट करती हुई दिखाई देती है। तो इस चीज़ को आप कैसे डिफाइन करोगे, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स रख दिए आपके सामने। डू यू एग्री? तो भाई ऑफकोर्स आपको एग्री करना पड़ेगा, यू विल हैव टू एग्री, बट नॉट 100% यू कैन एग्री विद दिस। ठीक है, कुछ अगर पॉइंट्स आपके डिसएग्री करने वाले हैं तो यू कैन ऑल्सो राइट दैट। बाकी मेरे हिसाब से जो चीज़ सही लगी, जो चीज़ करेक्ट है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में, मैंने वो चीज़ आपके पास आपके सामने रखी है, आप प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन में। डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ कार्टोग्राफी इन दी सेटेलाइंस। व्हाट डू यू मीन बाय कार्टोग्राफी? देखिए, कार्टोग्राफी का सीधा सीधा मतलब ये होता है, कार्टोग्राफी इज़ दी एक्ट और यू कैन से साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स, नक्शे बनाना, दैट इज़ कॉल्ड नक्शे बनाना। लाइंस खींच के एक देश को अलग, मतलब एक देश को दूसरे देश से अलग कर देना, दैट इज़ कॉल्ड कार्टोग्राफी। तो अगर मैं कार्टोग्राफी की बात करूँ सैडो लाइंस में, तो यार ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि यार दिखेगा ही दिखेगा आपको। कैसे? पहले तो आपको बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के अगर बारे में बात करें तो यार सीधा सीधा दिख गया कि हिंदुस्तान जो है उसके दो टुकड़े हो गए, तीन टुकड़े हो गए एक्चुअली, दो भी क्या, तीन टुकड़े, एक पाकिस्तान, एक हिंदुस्तान, एक आपका बांग्लादेश जो कि उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान था। तो आप समझ रहे हो कि किस टाइप से हम कार्टोग्राफी का यूज़ कर रहे हैं। तो रेलेवेंस है क्या यहाँ पे सैडो लाइंस में, इस चीज़ का रेलेवेंस है, इन नक्शों का रेलेवेंस है? तो ऑफकोर्स है, अगर ये नक्शे नहीं खींचे जाते, ये दीवार नहीं खींची जाती, तो जो थम्मा थी, जो थम्मा है नरेटर की, जो दादी माँ है, वो कभी भी इस चीज़ की डिमांड ही नहीं करती कि, मतलब इस चीज़ की डिमांड क्या, मतलब ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आता कि उसे वापस ढाका जाने में प्रॉब्लम होती। वो तो मान लो इंडिया ही होता पूरा, सब मुस्लिम कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी एक साथ रहती तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आज इस्लामाबाद में भी हम आराम से घूम सकते थे विदाउट वीज़ा, हम आज ढाका में भी विदाउट वीज़ा आराम से घूम सकते थे। आज हम उन वादियों को जो कि आज कैप्चर्ड है POK के रूप में, हम उनको भी आराम से घूम सकते थे, कोई दरार नहीं होती हमारे बीच में। बट व्हाट वी आर डीलिंग विद राइट नाउ, सिंस हमने बाउंड्रीज खींच दी है और ये दरार बढ़ती जा रही है, हेटेड बढ़ता जा रहा है, वायलेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो कार्टोग्राफी का रिलेवेंस है सैडो लाइंस में, बिल्कुल हाँ है। ठीक है, इसी कार्टोग्राफी की अगर नहीं होती ये कार्टोग्राफी, मतलब ये नक्शेबाजी नहीं होती, देश अगर डिवाइड नहीं होता, तो हो सकता है ये पार्टीशन लिटरेचर कभी सामने ही नहीं आता हमारे सामने। हो सकता है ये कि ये सैडो लाइंस जो स्टोरी लिखी गई है, कभी ये दर्द बयां ही नहीं कर पाता ऑथर, कभी ये चीज़ लिखी नहीं जाती। तो कार्टोग्राफी का बहुत बड़ा रोल है, जिसके कारण से हम पार्टीशन लिटरेचर पढ़ पा रहे हैं, और पार्टीशन का जो दर्द है वो इस कार्टोग्राफी की पे पूरा पूरा डिपेंड करता है। तीसरा चौथा क्वेश्चन जो है मेन है, मैंने डिस्कस कर दिया आपके सामने। ठीक है, पाँचवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, टाइम बहुत थोड़ा सा है हमारे पास। क्या हो गया ये? ओके, नीचे नहीं जा रहे, हमें ऐसे करना पड़ेगा। ओके, चलो कोई बात नहीं। द जेंडर्ड एक्सपीरियंस ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया इज डीप एंड ट्रोमेटिक। यार सीधी सी बात है, क्या मेल ने जो सफ़र किया पार्टीशन के टाइम पे, वो विमेन ने सफ़र किया होगा? नहीं। क्या विमेन ने जो सफ़र किया, जैसे अगर मैं बात करता हूँ फाइनल सॉल्यूशन की, तो कैसे वहाँ पे गरीबी का फ़ायदा उठाया गया है एक औरत का, एक प्रोस्टिट्यूट वाले बिजनेस में लगा के। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ एक दूसरे टेक्स्ट की, अ लीफ इन द स्टॉर्म की, तो कैसे जो है पूरा परिवार ही बर्बाद कर दिया जाता है प्रोटैगनिस्ट का, उस लड़की का। ठीक है, पूरा परिवार ही बर्बाद कर दिया जाता है, रेप वेप किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो डिफरेंस थी दोनों के बीच में, यू कैन नॉट से कि डिफरेंस नहीं था। एक मेल ने जो सफ़र किया, एक फीमेल ने जो सफ़र किया पार्टीशन के टाइम पे, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दोनों में देखा जा सकता है। ठीक है, खासकर वीमेन के बारे में बात करें तो यार सीधी सीधी बात है कि उनकी बॉडी को जो है बॉडी नहीं समझा गया उस टाइम पे, मतलब उठाओ जैसे है एंड यूज़ करो एंड थ्रो कर दो, ये वाला काम हो गया था उनके साथ। ठीक है,
तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। जेंडर एक्सपीरियंस की अगर बारे में बात करें पार्टीशन में, तो भाई बहुत ज़्यादा गैप है, हम कंपेयर भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते। वीमेन अगर 1947 के टाइम की बात करें तो वीमेन क्या थी उस टाइम पे, इतनी ज़्यादा फ्री तो नहीं थी जो आज की वीमेन जितनी फ्री हैं, एटलीस्ट दे आर वर्किंग वीमेन। ठीक है, आज की जो वीमेन है कम से कम घर से बाहर तो निकल गई काम करने के लिए। 1947 में क्या ऐसी चीज़ें थी, एक तो थी नहीं, एक तो मेल पे डिपेंडेंट है, मतलब अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट, अपने बेटे पे डिपेंडेंट है, और फिर वो भी छीन लिया जाए, उनकी भी हत्या कर दी जाए, ठीक है, मॉब के द्वारा, तो फिर कैसा फील होता है उस टाइम पे, औरत कैसी जो है लाचार बन जाती है। तो एक ये चीज़ है, ये भी आप सो कीजिएगा। सिक्स क्वेश्चन है कि मेमोरी जो है कैसे एक रोल प्ले करती है आपके पार्टीशन लिटरेचर में, तो बहुत बड़ा रोल है। ट्रेडिव की बात करें, मतलब ऑथर की बात करें, तो ऑथर जो है सॉरी शैडो लाइंस में वो सारी पीछे की बातें याद करता है, ठीक है, और उससे फिर जो है स्टोरीज़ बनती हैं। तो अगर पार्टीशन लिटरेचर की बात करें, तो पार्टीशन लिटरेचर में अगर मेमोरी नहीं होती हमारी, हिस्ट्री हमारे पास नहीं होता, तो पार्टीशन लिटरेचर कभी तैयार ही नहीं होता। तो मेमोरीज जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। हो सकता है कि मान लो आज जो दिल्ली में जो बच्चा अभी जो मान लो 8-10 साल का है, या चलो 12 साल का है, 15 साल का है, और उसने जो दिल्ली की जो जनवरी में दंगे हुए, तो अगर उसने ये चीज़ देखी होगी तो कहीं ना कहीं उसकी मेमोरी भी में रहेगा, और आगे अगर वो बच्चा ऑथर बनता है जाके, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को अगर लिखेगा तो समझ रहे हो, उसको एक ट्रॉमा फील होगा, एक लॉस फील होगा कि यार मेरे घर को जला दिया गया था, ठीक है, दिल्ली में जो दंगे हुए थे, अगर मैं इस चीज़ को ऐसे रिलेट करूँ, तो वो आसानी से इस चीज़ को एक एज अ लॉस फील करेगा। जब तक उसकी मेमोरी रहेगी, उस चीज़ की याद रहेगी माइंड में, एक ट्रॉमा, एक लॉस फील होता रहेगा उसको कि मेरे मामा, मतलब मेरे फैमिली रिलेशंस को जो है जला दिया गया, या फिर वेंडलाइज कर दिया गया, मेरे घर के बाहर जितने भी कार वगैरह था, घर वगैरह जला दिया गया, मॉस्क जले, मंदिर जले, तो इन चीज़ों को वो कभी भूलेगा नहीं। तो एक मेमोरी का बहुत बड़ा रोल होता है। ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया दिल्ली दंगों का, गुजरात दंगों का ऐसे ले लो एग्जांपल, लेकिन जो दंगे उस टाइम पे हो रहे थे 1947 के टाइम पे, या फिर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 की अगर बात करें, तो क्या ये दंगे जो मैंने अभी छोटे से दंगे का नाम लिया, क्या ये दंगे उस दंगे से कंपेयर कर सकते हैं हम? आप देख रहे हो कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि मिलियंस लोग मर जाते हैं 1947 के पार्टीशन में, कितनी बड़ी चूक थी हमारे पॉलिटिशियंस के द्वारा। एनीवेज, इस चीज़ को जो मैं आपको समझाना चाहता था, मैंने उस चीज़ को समझाया कि मेमोरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, एक रोल प्ले करती है आपके ट्रॉमा और लॉस को जगाने में, ठीक है, और इसके बिना तो है जो है पार्टीशन लिटरेचर का जो स्वाद है, यू कैन से, वो कभी आ ही नहीं सकता बिना मेमोरी के, ठीक है। आप सो क्या करोगे फिर, समझ रहे हो? बाकी पहला और दूसरा क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, मैंने आपको हिंट दे दिया है। तो ये थी मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश, बाकी आप सारी वीडियोस देख सकते हो, मैंने यहाँ पे वीडियोस डाल रखी हैं फाइनल सॉल्यूशन पे, टोबा टेक्सिंग पे, अलीफ इन द स्टॉर्म पे, और भी बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं, आलम सोन हाउस पे भी वीडियोस डाल रखी है मैंने, आलम सोन हाउस में तो पूरी चीज़ मेमोरी है यहाँ पे, आप ये चीज़ देखना। आप वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है, और वीडियो शेयर कर दो जल्दी से अपने फ्रेंड्स के बीच में कि यार ये लास्ट ईयर का ये 11 तारीख का पेपर है, ये DU का ही है, ठीक है। तो ये पेपर हो सकता है कि सेम टू सेम तो रिपीट नहीं होगा, इतना जितना मेरे को पता है सेम टू सेम रिपीट नहीं होगा, बट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द सेम वे, इन अ ट्रांसफॉर्म्ड वे दे कैन बी आस्क्ड टू यू, ठीक है। ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, लैंग्वेज चेंज करते क्वेश्चन की, हो सकता है इसी टाइप का जो है क्वेश्चंस फ्रेम करके पूछ लिया जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और होप सो कि आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाए, मेरे को बहुत खुशी हुई आप लोगों की हेल्प करके इस एग्ज़ाम टाइम पे, और इसी जो सपोर्ट को है बनाइए रखिएगा मेरे साथ, ठीक है, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, और यही कामना है, भगवान आपको अच्छी राह पे ले चले, और दंगे फसाद से हम दूर रहें, और अपना भारत जो है महान बने, सभी को जो है, सभी का करियर जो है बहुत अच्छा हो, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।